हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि घर पे ही रह के मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा फोटोग्राफी की, तो चलिए आज हम सीखते हैं कि बैकग्राउंड को किस तरीके से ब्लर करते हैं। अगर बैकग्राउंड को ब्लर करना है तो कैमरे के अंदर सबसे अहम भूमिका हमारा अपर्चर निभाता है। अगर अपर्चर जितना ही नीचे होगा, जैसे 1.4, 1.8, 2, उतना ही आपका बैकग्राउंड ब्लर आएगा। ज़्यादातर बैकग्राउंड ब्लर करने के लिए जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर होते हैं वो प्राइम लेंसेज का यूज़ करते हैं। जैसे कि आप 85mm देख ले या फिर आप 50mm देख ले, 70-200 देख लो, ये जितने भी प्राइम लेंसेज है ये बैकग्राउंड ब्लर करने के लिए ज़्यादा ही काम आते हैं। और जो अपर्चर होता है वो ना कि कैमरे में होता है, वो जो अपर्चर होता है वो आपके लेंस में होता है। आपका लेंस आपको बताएगा कि उसमें कितना अपर्चर है। आप जो सा लेंस यूज करेंगे उसमें उतना अपर्चर होता है। मैं अभी इस वीडियो में 50mm के साथ काम करने जा रहा हूँ, आपको कुछ वीडियो दिखाऊंगा। घर पर रहते रहते आपको कुछ फोटो दिखाता हूँ किस तरीके से आप घर पर अपना टाइम यूज कर सकते हो और आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मैं इस वीडियो में जो फोटो खींचने जा रहा हूँ उसमें 250 मैंने शटर रख रखा है और जो आपका अपर्चर है वो 1.8 में 50mm से कैप्चर करने जा रहा हूँ। और घर की ही कुछ फोटो, जैसे कि आपका MI का ये जो आपका पावर बैंक होता है, आपका फोन का डब्बा हो गया, तो कुछ ऐसे ऐसे छोटी छोटी चीज़ें मैंने कलेक्ट की है और फोटो खींच के आपको दिखाता हूँ। तो आप बताइए कैसी होगी हमारी फोटो। देखा आपने कि हमने घर पे ही रह के घर से ही कुछ सामान कलेक्ट करके, जैसे कि कुछ भी आपके पुराने ओल्ड कुछ भी सामान हो उसको कलेक्ट करो और घर पे ही फोटोग्राफी का कुछ ना कुछ तरीका अपनाते रहो, कुछ प्रैक्टिस करते रहो। हर एक चीज़ से आपको कुछ नया सीखने को मिलता है। जैसा कि मैंने किया, घर से ही कुछ प्रोडक्ट उठाया, घर से ही कुछ क्वांटिटी उठाया और कुछ फोटो करके दिखाया मैंने आपको कि आप बैकग्राउंड को कैसे ब्लर करते हैं। हालांकि मैंने ठीक से समझा नहीं पाया होगा, क्योंकि जो बैकग्राउंड ब्लर है वो ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिकली समझ में आती है। मैं आपको बात समझाता तो ज़्यादा अच्छा होता, परंतु अभी घर पे हैं, लॉकडाउन चल रहा है, तो मेरी भी मजबूरी है। मैं आपको जिस तरीके से चाहता था उस तरीके से समझा दिया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा सिंगल लाइट शूटिंग, मतलब सिंगल लाइट से किस तरीके से शूट करते हैं घर पे ही, और उसके लिए आपको ज़्यादा चीज़ों की जरूरत नहीं होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, थैंक यू।